ओडिशा के पुरी में गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कैमरे से लेस एक ड्रोन उड़ाने को लेकर दो महिलाओं के साथ चार रूसी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चारों ने कथित तौर पर सिंहद्वार पुलिस थाने के करीब राधा बल्लभ मठ के छत से ड्रोन को संचालित किया। पुलिस ने उनसे हाई डेफिनेशन कैमरा व एक मेमोरी कार्ड जब्त किया है। पुलिस अधिकारी गोकुल चंद्र दास ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि चारों रूस के नागरिक हैं और इस्कॉन के भक्त हैं। वे 7 दिसंबर से पुरी में हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान के अनुसार वे यहां पवित्र मंदिर की परिक्रमा के लिए आए हैं। उन्होंने भविष्य में यहां आने वाले भक्तों के लिए प्रणाली की जानकारी देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। सरकार ने मंदिर व इसके आसपास की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। आपको बता दें कि साल 2014 में क्वाडकोटर ने मंदिर के ऊपर उड़ान भरकर एरियल वीडियो बनाया था। इस वीडियो और तस्वीरों को बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया था। ओडिशा पुलिस ने यहां श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट फोटो खींचने की उच्च क्षमता वाले कैमरे से लेस ड्रोन उड़ाने को लेकर चार रूसी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि इन चारों ने अपने आप को इस्कॉन का सदस्य बताया है। इसमें 3 महिलाएं हैं। जिला प्रशासन ने 2014 में इस धर्मस्थल और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र को उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया था। सिंहद्वार थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटरनेशनल सोसाइटी कोर कृष्णा कंसर्नेशन ने ये चारों श्रद्धालु समीप के राधा वल्लभ मठ की छत से ड्रोन चला रहे थे। पुरी के पुलिस अधीक्षक सार्थक सारंगी के अनुसार पूछताछ करने के बाद चारों निजी बॉन्ड पर छोड़ दिए गए हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह उड़ान निषिद्ध क्षेत्र है।